गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई व्लॉग पे। सुबह का 7 बज गया है, हम उठ गए हैं और अभी आज का शुरुआत कर रहे हैं। आज का व्लॉग जो है कि स्टार्ट हो गया। अभी जो है कि सबसे पहले हम यहाँ से चाय पीने जाएंगे, बगल में ही चाय दुकान है, चाय पीने जाएंगे। अभी हम जो है कि पार्किंग में ही है, अभी लोडिंग के लिए नहीं निकले हैं और जैसे होगा आज का प्रोग्राम जो है कि सब कुछ इस व्लॉग में दिख जाएगा। इधर ये रहा मेरा गाड़ी और पार्किंग भी पूरा जाम है। रात को जो है कि बहुत सारी गाड़ी आई है, देख सकते हैं आप जो है कि पार्किंग में जो है कि एकदम एंट्रेंस जो रास्ता है, रास्ते में भी गाड़ी जो है कि खड़ा है। अभी जो है कि बरसात की वजह से लोडिंग जो है कि जल्दी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से गाड़ी जो है कि सभी गाड़ी जाम है। आप इधर भी देख सकते हैं पार्किंग में बहुत सारे गाड़ी है। दोस्तों तो अभी जो है कि चाय पी लिए हैं, चाय पी करके और यहाँ बगल में जा रहे हैं, एक गाड़ी है कंपनी का, उसे जगा देते हैं, उठा देते हैं, फिर साथ में वो भी चाय वाय पिएगा। पप्पू जी, अरे कब तक सोएगा, उठो उठो उठो, मेरा सब्सक्राइबर सब देख रहा है, अभी सोए हुए हो। ठीक बा, दोस्तों तो ये है झींगा, देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है कि झींगा है, सूखा झींगा, यहाँ पे फ्रेश तो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन इसको हम ना गर्म पानी में फुलाएंगे, जैसे सोयाबीन को फुलाते हैं वैसे फुला करके बनाएंगे और बहुत बढ़िया बनता है। मैं एक आध बार बनाया भी हूँ और गैस भी हमारा ख़त्म हो गया है, गैस भराएंगे। आज जो है कि जो हमारा मेरा बर्तन है वो संदीप भाई के गाड़ी में ही था, और संदीप भाई कल का निकले हैं कहीं पर अचानक, और उसके बाद जो है कि उनका गाड़ी बंद है, तो आज जो है कि हम संदीप भाई को के साथ नहीं, आज जो है कि हमारा साथ हमारे ही कंपनी के हैं पप्पू भाई हैं, इनके साथ बनाएंगे खाएंगे। शाम को भी इन्हीं के साथ बनाए खाए थे खाना, और आज जो है कि झींगा बनने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज का व्लॉग जो है कि बहुत बढ़िया होगा, देखिएगा। वैसे झींगा का वीडियोस जो है कि कैसे बनाते हैं, वो भी सूखी झींगा जो है कि बहुत अच्छी तरह से हम जो है कि आप सभी को दिखाने वाले हैं। बनाना शुरू हो गया है और सबसे पहले जो है कि हम मसाला तैयार कर दिए हैं और इधर झींगा जो है कि भूंज रहे हैं। अभी झींगा को गर्म पानी में फुलाए हैं, उसके बाद भूंज रहे हैं। ये देख सकते हैं झींगा का कलर, और जो है कि उसके बाद हमने प्याज मिर्चा टमाटर सब काट के तैयार है, मसाला भी तैयार है। और अब जो है कि झींगा पहले बनेगा, उसके बाद चावल बनेगा। तो आज का दिन का खाना रहेगा हमारा झींगा चावल। बस हो गया दोस्तों, तो अभी हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें सबसे पहले जो है कि हम डालेंगे सूखा मिर्ची। इससे सूखा मिर्ची से क्या होता है कि सोनाई आ जाता है। सूखा मिर्ची जो है कि डाल दिए हैं, इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक रहा यार, लहसुन डाल दिए, और इसमें जो है कि हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इसमें जाएगा प्याज। दोस्तों तो अभी जो है कि हमारा प्याज जो है कि लाल हो गया है, देख सकते हैं हल्का हल्का भुंजा गया है। अब इसमें जाएगा मसाला, अभी जो है कि मसाला भुंजाएगा बढ़िया से, हाँ
और मसाला जो है दोस्तों, तो हमारा जो है कि मसाला अब भुजा गया है, इसमें जा रहे हैं झींगा डालने, और झींगा जो है कि डाल दिए हैं। इसको बढ़िया से मसाला के साथ जो है कि मिला के भूजेंगे बढ़िया से। अब फाइनली हमारा झींगा का रेसिपी जो है कि तैयार हो चुका है। अब खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे।